जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन हो सकता है? पाकिस्तान में बड़ी फ़ौज के सरबराहान मुल्की तारीख के आगाज़ से ही अहम रहे हैं, जिसकी वजह मुल्की सियासत में फ़ौज का किरदार और आर्मी चीफ की अहमियत रही और इसीलिए हर बार नए आर्मी चीफ की तैनाती एक अहम सियासी मामला और बहस का मौजू बन जाता है। ताहम मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेने वाले नए चीफ की तैनाती साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सामने आने वाले बयानात के बायस कुछ ज़्यादा ही मौजू बहस बन चुकी है। वाज़ेह रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ताहम अब तक हुकूमत ने इनकी जगह फौज की कमांड संभालने वाले अफसर का ऐलान नहीं किया। जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन हो सकता है? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक ओटीएस के उस कोर्स से है जो 75वीं लॉन्ग कोर्स से जूनियर और 76वीं लॉन्ग कोर्स से सीनियर है। उनकी तरक्की मौजूद कोर कमांडर लाहौर मंगला DG SP D और IGTNE के साथ अक्टूबर 2018 में हुई थी। ताहम उन्होंने रैंक तकरीबन 1.5 महीने की ताखीर से लगाया, जिसकी वजह से उनकी रिटायरमेंट की तारीख अपने जूनियर्स के भी बाद है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त 10 कोर, जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है, कमान कर रहे हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल खुद आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी यही कोर कमान की थी। ये इलाके के लिहाज से फौज की सबसे बड़ी कोर है जो कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी करती है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अजहर अब्बास सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं। वो इस वक्त फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हैं। इससे कबल उन्होंने बतौर कोर कमांडर 10 कोर कमान की है। इन दो ओहदों की हद तक जनरल अजहर अब्बास और साहिर शमशाद मिर्ज़ा की प्रोफाइल मिलती जुलती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद अगरचा नोमान महमूद सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं, मगर एक मजबूत कैरियर के हामिल हैं। फौज में उन्हें खास तौर पर पाकिस्तान की मगरबी सरहद का माहिर माना जाता है। उनके वालिद कर्नल राजा सुल्तान ने 1971 की जंग में शामिल थे। ताहम वो मिसिंग इन एक्शन अफसर हैं, यानी उनके लापता होने के बायस उनके जिंदा होने या ना होने से मुतल्लिक इल्म नहीं। बाद में नोमान महमूद ने अपने वालिद की यूनिट 22 बलोच की कमांड भी की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पाकिस्तानी फौज की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। वो इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ थे जब जनरल बाजवा 10 कोर कमांड कर रहे थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने पन्नू आकिल की डिवीजन की कमांड की। वो ISI में ही CNI यानी काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और ISI की सरबराही से कबल कुछ हफ्तों के लिए एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ISI में अपने कैरियर के दौरान मीडिया में मुख्तलिफ तनाज़ात का भी शिकार रहे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ये इस फहरिस्त में गालिबन खामोश तरीन तबीयत के अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। आर्टिलरी से ताल्लुक़ रखते हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर का ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिगुल तहसील नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से फौज में कमीशन हासिल किया था। बतौर ब्रिगेडियर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में तैनात रहे। इंडिया की जानिब से सितंबर 2019 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त वो जेहलम का डिवीजन कमांड कर रहे थे। आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी अफसर की लॉन्ग कोर्स में सीनियरिटी मिलिट्री एकेडमी काकोल से पासिंग आउट के मौके पर मिलने वाले नंबर, जिसे पाक आर्मी या PA नंबर कहा जाता है, की बुनियाद पर तय की जाती है। सर्विस की उम्र या इस रैंक के लिए मुख्तसिस मुद्दत में से जो पहले आए उसके मुताबिक रिटायरमेंट हो जाती है। मसलन मौजूदा आर्मी चीफ अगरचे अपने दीगर साथियों के हमरा एक ही दिन पास आउट हुए, ताहम आर्मी चीफ बनने से कबल वो अपने कोर्स में सीनियरिटी में छठे नंबर पर थे, जिसकी वजह उनका पीए नंबर था।